Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video lesson, we are going to talk about psychoanalytic criticism. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, psychoanalysis. तो psychoanalytic जो criticism था, ये शुरू होता है सिगमंड फ्राइड से. और जो ये psychoanalytic theory थी, ये फ्राइड ने ही दी थी. अगर साइकोएनालिसिस फ्राइड से शुरू होता है तो साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म भी यहीं से शुरू माना जाता है एंड इट फाइंड्स इट्स अर्लीस्ट एक्सप्रेशन इन फ्राइड्स रीडिंग ऑफ हेमलेट एंड दोस्तोयेवस्की. फ्राइड ने जो रीडिंग की थी हेमलेट की 1899 में और दोस्तोयेवस्की की जो रीडिंग की 1908 में, हेमलेट की रीडिंग की 1899 में, ये आप नोट कर लें, और दोस्तोयेवस्की की रीडिंग की 1908 में. तो इस रीडिंग के बाद उसने, फ्राइड ने अपनी साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म को पेश किया एंड दिस क्रिटिसिज्म इज आल्सो नोन एज साइकोबायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म. अब जो साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म होता है, इसका काम क्या होता है, किसी भी वर्क में छुपी फैंटसीज, फियर्स, डिजायर के ऊपर एक स्टडी होती है जो रीडर नहीं जान पाता, और इस क्रिटिसिज्म के वजह से इनका पता किया जाता है. इसको हम साइकोबायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज ये राइटर की बायोग्राफी से ही रिलेट करता है. जो राइटर की बायोग्राफी होगी उसकी साइको से ही ये रिलेट करता है ये क्रिटिसिज्म. इट डज नॉट फॉलो द एलियट थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी. एक्चुअली जो एलियट की थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी थी, उसमें क्या था कि इलियट का मानना था कि राइटर को अपनी पर्सनैलिटी वर्क से अलग रखनी चाहिए, वर्क और पर्सनैलिटी दोनों को अलग रखना चाहिए. लेकिन फ्राइड कहता है कि राइटर अपने माइंड को क्रिएशन से अलग नहीं कर सकता. राइटर और वर्क, ये दोनों चीज़ अलग नहीं हो सकती. राइटर अपने माइंड को बिल्कुल अलग रख के अपने वर्क की क्रिएशन नहीं कर सकता. वो जो भी लैंग्वेज, इमेजेस और लिटरेरी थीम्स यूज करेगा, उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो ऑथर या राइटर होगा उसकी मेंटल स्टेट जो होगी उससे रिलेशन मिलेगा. अब अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन की, तो जाहिर सी बात है कि इस थ्योरी के बैकग्राउंड और ओरिजिन की बात करें तो ये थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड ने. इट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एनी राइटर. और ये कुछ फॉलोअर्स थे जिन्होंने बाद में इस थ्योरी को फॉलो किया था. उसकी ये जो थ्योरी थी, ये मानव ड्रीम्स, हिस्टेरिया, सेक्सुअलिटी और सिविलाइजेशन पे बेस्ड थी. ये थ्योरी जो इसका बैकग्राउंड था इस थ्योरी का, ये ड्रीम्स पे, मानव ड्रीम्स पे, हिस्टेरिया, सेक्सुअलिटी और सिविलाइजेशन पर बेस थी. उसने वर्क स्टडी किए इस थ्योरी के बेसिस पर. और बाद में जो ये फॉलोवर हुए हैं फ्राइड के, अर्नेस्ट जोन्स एंड मैरी बोनापार्ट, हु आर द फॉलोवर्स ऑफ फ्राइड, दे रीड टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. बाद में इन्होंने फिर इसी थ्योरी के बेस पे टेक्स्ट की रीडिंग की. हारोल्ड ब्लूम, लियोनल ट्रेलिंग एंड नॉर्मन होलैंड ऑल्सो अडोप्टेड दिस थ्योरी. एक्चुअली दीज वर द मेजर क्रिटिक्स ऑफ दैट टाइम. हारोल्ड ब्लूम, लियोनल ट्रेलिंग एंड नॉर्मन होलैंड, दीज वर द मेजर क्रिटिक्स ऑफ दैट टाइम. एंड फ्राइड्स का जो मेन डिस्कवरी थी वो थी, वॉज द रोल ऑफ अनकॉन्शस इन ह्यूमन लाइव्स. कि जो अनकॉन्शस हमारे दिमाग का जो पार्ट होता है, उसका ह्यूमन लाइफ में क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है ये. तो फ्राइड बताता है तीन लेवल पर्सनैलिटी के. पहला बताता है द ईगो, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्शसनेस. और दूसरा द सुपर ईगो, विच इज कंसाइंस, अंतरात्मा. एंड द थर्ड वन इज द आई इड, विच इज अनकॉन्शस. इस वीडियो में हम बात करेंगे अनकॉन्शस की, सिर्फ अनकॉन्शस की. What is unconscious? It is also a part of mind. Unconscious जो है ये दिमाग का एक पार्ट है जो कॉन्शसनेस से अलग है.
और इसका मानव जीवन से बिल्कुल डीपली रिलेशन होता है, गहरा संबंध होता है इससे। और इस जो अनकॉन्शियस में होते हैं हमारे, इसमें इनएक्सप्रेसिबल डिज़ायर्स, अर्थात वी कैन से जो डिज़ायर्स हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम सोल्व नहीं कर पाते, और कुछ पास्ट के, हमारे पास्ट के ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। हम यह भी कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में वो सब एलिमेंट्स होते हैं जो हम सिविलाइज सोसाइटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ये रिप्रेस हो जाते हैं। और रिप्रेस से फ्राइड का मतलब है फॉरगेट और इग्नोर, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं उनको, फॉरगेटिंग और इग्नोरिंग से है रिप्रेस से फ्राइड का मतलब। अब फ्राइड का मानना है कि जो भी आर्टिस्ट होता है वो अपनी आर्ट के थ्रू इन रिप्रेस्ड एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। फ्राइड क्या मानता है कि जो भी कोई भी आर्टिस्ट है वो अपनी आर्ट के थ्रू इन फॉरगेटिंग और इग्नोरिंग जो इमोशंस थे उसके, जो वो सिविलाइज सोसाइटी में जाहिर नहीं कर सकता, वो इन रिप्रेस्ड एलिमेंट्स को अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करता है। और अनकॉन्शियस पार्ट खुद अपने आप को किसी भी जोक के द्वारा, पन के द्वारा एक्सप्रेस करता है। और जो आदमी आर्टिस्ट नहीं है वो अपने अनकॉन्शियस के एक्सप्रेशंस ड्रीम्स में पाता है। और यहाँ फिर वो ड्रीम के भी दो लेवल बताता है, पहला मैनिफेस्ट ड्रीम और दूसरा है लेटेंट ड्रीम। अब मैनिफेस्ट जो ड्रीम है, मैनिफेस्ट कंटेंट ड्रीम जो है, उसका मतलब उन ड्रीम से है जो अनकॉन्शियस मेमोरी में होते हैं और एक टोटली डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और लेटेंट ड्रीम कंटेंट से उनका मतलब है कि हिडन और इनविजिबल कंटेंट। लेटेंट मींस हिडन और इनविजिबल कंटेंट, और यही लेटेंट ड्रीम रियल में अनकॉन्शियस से रिलेटेड होते हैं। इन्हीं लेटेंट ड्रीम्स के द्वारा मनुष्य अपनी विश फुलफिलमेंट करता है, और इन्हीं सपनों के द्वारा मनुष्य अपने उन हिडन डिज़ायर्स की पूर्ति करता है जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाता। अब अगर हम बात करें मदर फिक्सेशन, इसके आगे फ्राइड बात करता है मदर फिक्सेशन की, सेक्सुअलिटी की। फ्राइड का मानना है कि एवरी चाइल्ड पासिस थ्रू द इडिपल स्टेज, और इस इडिपल स्टेज में ही वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी करता है, और वो डिज़ायर्स पूरी करता है अपनी मदर के थ्रू। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज मदर फिक्सेशन। एंड ही फाइंड्स हिज एंड द चाइल्ड फाइंड्स हिज फादर एज ए पोटेंशियल राइवल फॉर हिज मदर्स लव, एंड अंडर द थ्रेट ऑफ हिज फादर। अब उसे उसके फादर का कहीं ना कहीं डर भी होता है बच्चे के मन में, एंड अंडर द थ्रेट ऑफ हिज फादर ही स्टार्टेड रिप्रेसिंग दिस इडिपल डिज़ायर। दिस इज द चाइल्ड्स टर्न फ्रॉम द प्लेजर प्रिंसिपल टू द रियलिटी प्रिंसिपल, एंड एट दिस स्टेज ही एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ सिविलाइज्ड बिहेवियर। आगे फ्राइड बताता भी है कि साइको एनालिसिस के दौरान जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो पेशेंट द्वारा बताए गए इवेंट्स और उसके ड्रीम्स के आधार पर ही उसकी पर्सनैलिटी को जज करता है, और उसके पास्ट के अनरिवील्ड सीक्रेट्स पता करता है। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ट्रांसफेरेंस। मेथड्स एंड एसम्पशंस ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिक्स। अगर बात करें उन मेथड्स और एसम्पशंस की जो एक साइको एनालिटिक क्रिटिक फॉलो करता है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के एनालिसिस के लिए, अब किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करता है, करना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं। अगर उसको साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के बेस पे एनालाइज करना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं और एजम्पशंस हैं जो कोई भी साइको एनालिटिक क्रिटिक फॉलो करता है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले जो है, मतलब कोई भी क्रिटिक जो फोकस करता है राइटर या फिर करेक्टर की कॉन्शसनेस पर, अगर कोई भी साइको एनालिटिक क्रिटिक है तो वो फोकस करेगा राइटर या और फिर या जो भी राइटर के द्वारा क्रिएट किया गया करेक्टर है उसकी कॉन्शसनेस पर, ना कि उस समय या उसकी सोशल कंडीशंस पर। नहीं, साइको एनालिटिक क्रिटिक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ राइटर पे या फिर जो राइटर का जो भी मतलब
उसकी क्रिएशन है, उसके द्वारा क्रिएट किया गया करेक्टर है, उसकी कॉन्शसनेस पर फोकस करेगा, उस टाइम की उसकी सोशल कंडीशंस पर सेल साइको एनालिटिक क्रिटिस को कोई मतलब नहीं होता। और उनका मानना है कि हर टेक्स्ट के दो मीनिंग होते हैं। किनका? साइको एनालिटिक क्रिटिक्स का मानना है कि हर टेक्स्ट के दो मीनिंग होते हैं, दो कंटेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्सप्लिसिट कंटेंट। इस एक्सप्लिसिट कंटेंट में क्या होता है कि मतलब इस कंटेंट का सभी को पता होता है। एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होता है इसका लगभग सभी को ही पता होता है, लेकिन हिडन कंटेंट जो होता है इसका पता नहीं होता। और क्रिटिक का यही काम होता है कि ऑथर या जो राइटर जो है उसकी कॉन्शस और अनकॉन्शस के बेस पर इन हिडन कंटेंट का पता लगाना। इसके लिए वो टेक्स्ट क्या यूज करते हैं, मतलब जो भी क्रिटिक यूज करता है वो करता है, मतलब जो भी टेक्स्ट में वो बुक में इमेजेस होंगी, लैंग्वेजेस होगी, उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। वर्क की टेक्स्ट इमेजेस या लैंग्वेज को लोकेट करते हैं, एंड दे ऑल्सो लोकेट द इडिपल फिगर इन द वर्क। साइको एनालिटिक क्रिटिक्स ऑल्सो लोकेट द इडिपल फिगर इन द वर्क। दे रीड द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ सन फादर रिलेशनशिप, सन फादर एनकाउंटर। दे जज देयर डायलॉग्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। दे फोकस ऑन द सन्स फीलिंग्स टुवार्ड द मदर। इसके बाद वो स्लिप्स, वर्ड गेम्स, अनगार्डेड सेक्सुअल सिंबल्स सच एज गन और द टावर, इमेजेस ऑफ द वूम्ब सच एज केव्स एंड होलोज एक्सेट्रा के बेसिस पर राइटर के फैंटसीज या फियर्स का पता लगाते हैं। सही, तो ये कुछ मतलब इन चीज़ों को लोकेट करते हैं साइको एनालिटिक क्रिटिक्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो इसके फॉलोअर थे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो सिगमंड फ्राइड ने दिया, तो उसके बाद जो सिगमंड फ्राइड के फॉलोअर हुए हैं जैसे कि अर्नेस्ट जोन्स, मैरी बोनापार्ट, नॉर्मन होलैंड, नॉर्मन ओ ब्राउन, जैक लैकान, सोसना फेलमन आर द मेजर थिंक देवर द मेजर थिंकर्स ऑफ दिस थ्योरी। एंड फेलमन इज ऑल्सो रिलेटेड टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। और जो हारोल्ड ब्लूम था ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू अमेरिकन डिकन्स्ट्रक्शन। और जो अर्नेस्ट जोन्स है वो तो जाना ही इस वर्क के लिए जाता है कि द लाइफ एंड वर्क ऑफ सिगमंड फ्राइड। उसने फुल बायोग्राफी लिखी थी, द फर्स्ट फुल बायोग्राफी जो लिखी थी अर्नेस्ट जोन्स ने लिखी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इसके सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी और इसके जो भी फॉलोअर्स थे और मेजर थिंकर्स थे इस थ्योरी के, उनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।